शरद पूर्णिमा की रात को हर घर की छत पर चांद ने आकर के अपना जलवा दिखाया। उसके चार दिन बाद हर घर के चांद ने छत पर चढ़ करके चांद को अर्घ लगाया, तो चांद कंफ्यूजन में हो गया। बोले यार, मेरे से सुंदर सुंदर चेहरे तो ये है, मेरे को यूं लग रहा था कि दुनिया में चांद जो है वो सबसे सुंदर है, और फिल्म वालों ने भी कह रखा है ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग घनेरा, चौदहवीं का चांद हो या तुम आफताब हो, यानी चांद को सुंदर बता रखा है, और मेरे चेहरे पर इतने काले काले दाग धब्बे, और ये देखो कितने सुंदर चेहरे। तो भगवान से कंप्लेंट की, भगवान सुंदर कौन? भगवान बोले बेटा, मेरा काम सिर्फ सुंदरता देना था, रिपेयरिंग मेंटेनेंस तो आपको ही करनी है। अगर तेरे को भी उन औरतों की तरह सुंदर और स्मार्ट दिखना है तो तू भी ब्यूटी पार्लर जाया कर, ब्लीचिंग करवाया कर, फेशियल करवाया कर, आईब्रो थ्रेडिंग पेडिंग मेनिक्योर पेडिक्योर करवाया कर, फिर देखना तू भी उनकी तरह ही सुंदर दिखने लगेगा। आदमी की इज्जत घर से बाहर कितनी हो, लेकिन घर में तो आप जानते हो वही 2% की, और अगर छलनी पुरानी और उसके छेद डटे हुए हो तो आदमी चाहे मेरे जैसा कितना स्मार्ट हो, बाद में डटी हुई छलनी से तो उसकी शक्ल जो है वो आदि पुरुष टाइप ही दिखेगी, क्योंकि पुराने पति जो है ना, 4-5 साल पुराने पति, वो HD क्वालिटी के तो है नहीं, थोड़ा सा जूम करते ही पिक्सल फट जाएगी, इमेज जो है वो और ज्यादा खराब होएगी, ये रही सही बिल्डिंग है वो भी खंडर जैसी नजर आएगी। तो मैं बाजार से आते वक्त छलनी लेने के लिए मार्केट गया, आजकल आप जानते हो डिस्काउंट और ये ऑफर चल रहे हैं, तो छलनी 100 रुपए की और एक के साथ एक फ्री, मैं लालच में आ गया, मैं 100 रुपए दे करके वो 2 छलनी ले आया। घरवाली ने जो ही छलनी देखी तो उसका चंद्रमुखी रूप जो था और निर्मल हो गया, मिश्री मावा की तरह वह बात कर रही थी, लेकिन जो ही उसने दूसरी छलनी देखी वो ज्वालामुखी की तरह लावा उगल रही थी। बोले ये किसके लिए है? मैंने मामला संभाला, अरे मैंने कहा ये फैशन की बात है, समझ, जैसे अपन पानी पीते हैं तो पहले नॉर्मल पीते थे, आजकल RO का फिल्टर्ड पानी पीते हैं, पहले तेल खाते थे नॉर्मल, आजकल डबल फिल्टर, ये हेल्थ के लिए जरूरी है। इसी तरह पत्ती को तो जितनी बार फिल्टर करोगी उतना ही उसका बढ़िया रूप आपके सामने आएगा, इसलिए लाया हूँ, बी बी खुश। अगर पतंजलि की छलनी आती तो एड इस प्रकार आता, इस करवा चौथ लेकर आए हैं हम शुद्ध स्वदेशी छिद्रों से बनी हुई जंग रोधी कीटाणु विरोधी डबल फिल्टर्ड छलनी। अगर मार्केट में लोकल फॉर वोकल वाली छलनी आती तो एड इस तरह आता, इस करवा चौथ हम लाए हैं आपके लिए शुद्ध स्वदेशी छिद्रों से बनी हुई जंग रोधी कीटाणु विरोधी डबल फिल्टर्ड छलनी, जो आपके दागदार पति को भी दिखाए शानदार जानदार, आपके पति की उम्र को बढ़ाए ज्यादा और आपको रखे सदा सुहागिन, आपके पति को पालतू बनाने वाली और सालों साल आपके इशारों पर चलाने वाली छलनी का प्रयोग करें और करवा चौथ मनाएं। मैंने मैडम को बताया, अपने उस कोने वाली जो मैडम रहती है ना लंबी सी, उसने तो इस बार करवा चौथ का व्रत पूर्णतया निराहार रह करके निर्जला रह करके किया है। हा? वो बोली उसको कोई डंका हस्बैंड पल्ले पड़ा होगा। बीबी से धड़ाधड़ 4-5 डंडे खाने के बाद भी मेरा दोस्त मुस्कुराया, और अब मैंने कहा तेरी सहनशीलता तो कमाल है, आज करवा चौथ के दिन भी इतने डंडे खा करके तू मस्त हाल है। वो बोला जी करवा चौथ का व्रत है तभी तो 4-5 कम पड़े हैं, वरना मेरी तो आदत इससे भी ज्यादा बड़ी हुई है। नेताजी जल्दीबाजी में आए, बीबी को बोला फटाफट आओ, तेरे को करवा चौथ का जो भी पूजा पाजा करवाना है फटाफट करवाओ, क्योंकि तुझे तो सिर्फ खाना ही खाना है। अरे मैं तो इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे तो 5-10 जगह और जाना है। दोस्तों अपने तो यहाँ गणगौर की पूजा तो एक तरह से पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, और ये करवा चौथ है ये साल भर का इंश्योरेंस है। अगर रिचार्ज होता दाम्पत्य जीवन का, आप सबके मैसेज इस तरह का आता कि आपके दाम्पत्य कनेक्शन की वैधता पूर्ण होने में अभी 2-4 दिन और शेष है, पतियों को अपनी लाइफ हेल्थ और सुख शांति की सुरक्षा का रिचार्ज कराने के लिए निम्न स्टेप अपनाएं। मुंह का सेटअप बॉक्स ऑन रखे, सैटेलाइट से सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा करे, भूल कर भी दूसरा चैनल न बदले, और अगर सर्वर एरर दिखा रहा हो
तो तुरंत कंपनी से संपर्क करें। लाल फीताशाही ने सरकारी दफ्तर में इस तरह विश्वास कर रखा है, हर फाइल ने बाबू की टेबल पर घर तलाश कर रखा है, भ्रष्टाचार की लंबी उम्र के लिए भारत भर में रिश्वत ने करवा चौथ का उपवास कर रखा है।